आज 50 से 52 पैसे ये है। तो बिजली की VCR पड़ना, बिल माफ नहीं होना, वो भी आपके सामने। और जब कोई आदमी 2 दिन उसके पूरे होते हैं, 2 ही दिन वर्ष पूरा करता है, और अपने बेटे को और परिवार को बुला के इस प्रकार की बात करता है कि बेटा गायों को भी चारा डालना भाई, वहाँ मंदिर भी चढ़ावा चढ़ाना, और इस प्रकार का दान भी निकालना, इस प्रकार की अशोक गहलोत की सरकार है जिस प्रकार का दान बांटने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनको ये ध्यान है कि आने वाली सरकार हम लोगों की नहीं है। पर लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार के इन्होंने शिविर लगाए उसमें भी सब लोगों को परेशान करने वाला काम किया है, वहाँ लोगों की लाइनें लगाने का काम किया है। वही योजना का पैसा मोदी जी सरकार ने दिया है, उन्होंने एक भी शिविर लगाने की कोशिश नहीं करी है। सभी ई मित्र में जाकर आप ऑनलाइन करवा दें, भले गैस का सिलेंडर का मामला हो या दूसरा किसान संबल का पैसा हो या दूसरा कोई भी पैसा हो, आज एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमारे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो इस प्रकार के शिविर लगाने का काम किया है। इस प्रकार के शिविर इन्होंने लगाकर वाई वाई लेने की कोशिश करी है, पर जनता ये समझ चुकी है कि संकार का अंतिम समय है, और अंतिम समय में जाता हुआ आदमी उस भी तरह की घोषणा करता है, उसकी भली पैसा हो भली उसकी पालना करे कि नहीं करे, पर इस प्रकार की पालना हो जाए, इस प्रकार की घोषणा ही ऐसा है कि आपके बहुत से पत्रकार मौजूद में है, शहर के लोग भी हैं, यहाँ के क्वालिटी में आज की तारीख में कन्वर्ट हो रहा है, उसके 30 रुपये स्क्वायर फीट का पैसा लग रहा है। आप लोगों बहुत से पत्रकार हैं, किसी मकान की रिक्वेस्ट करी कि मेरी डायरी को टेबल कर दूं, मेरी 5 मिनट के लिए बात सुन ले। जिस प्रकार धारीवाल जी ने उनकी लाते मारी थी राजेंद्र गुड़ा के वो मैं सामने, जिस प्रकार की अमीन कागजी ने उनके साथ मारपीट करी, उनके बहुत से मंत्रियों ने मारपीट करी, बहुत से MLA ने मारपीट करी, हम लोगों ने छुड़ाने की कोशिश करी, बोली राठौर साहब की लेते, और जिस प्रकार की उनके मंत्री की पिटाई करी और उनके मंत्री और MLA की पिटाई करी, और जिस प्रकार उनको बाहर ले जाके गए, और जिन प्रकार गार्डों ने उनकी मारपीट करी, हकीकत में मैं सोच सकता हूँ तो राजेंद्र जी बूढ़ा मजबूत आदमी थे, वरना कोई कमजोर आदमी होता तो इन सब मंत्रियों पर और MLA पर 307 लगती। इस प्रकार की कंडीशन मेरे सामने हुई। पूरे राजस्थान में जितने भी विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सब लोगों ने इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि जिस प्रकार की राजस्थान में भ्रष्टाचार की सरकार, दलितों के साथ अत्याचार की सरकार, महिलाओं के साथ अत्याचार की सरकार, पेपर लीक सरकार, और जिस प्रकार की RPS हो या महिलाओं के साथ हो या जिस प्रकार की लूट खसोट वाली सरकार है, उनके कारनामे आम जनता तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे, इस प्रकार की योजना हमने 16 तारीख से लगाकर 1 तारीख तक के पूरे राजस्थान के कार्यक्रम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, लड्डा जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे राजस्थान में हुए हैं, और एक इन कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है, और 1 तारीख को पूरा जयपुर घेराव का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, प्रदेश नेतृत्व रखा है, राष्ट्रीय नेतृत्व रखा है, उसके तहत आम जनता इस सरकार से आक्रोशित होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ जाने के लिए इस प्रकार की योजना हम लोगों की बनी है, उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। भ्रष्टाचार प्रदेश में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है, और चित्तौड़गढ़ विधानसभा में है, और चित्तौड़गढ़ शहर में है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार मेरे जीवन काल में मैंने कभी नहीं देखा, इतना भ्रष्टाचार यह हुआ है। पर इतना मैं आप लोगों के सामने जरूर कह सकता हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और दूध और पानी का पानी होगा, और जो भ्रष्ट लोग होंगे वो जेल की सलाखों में होंगे, और जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है वो भी ध्यान रख ले कि अपनी फाइलें सुधार ले, वरना आने वाले दिनों में उन सब लोगों को जेल जाना। अभी भले एक दो कर्मचारी रेगुलर लगे हैं, वरना कमिश्नर के अलावा और INJN के अलावा सभी वहां टेम्परेरी अधिकारी 5 साल रहे हैं, और टेम्परेरी अधिकारी की आड़ में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, उनके दलाल वहां बैठे थे, उन दलालों ने लाखों रुपए ऐंठे थे और शाम को उन पैसों को बांटते थे, बंदर बांट बांटते थे। वो सभी हम लोगों के पास प्रूफ है, कहाँ किस किसी से पैसा लिया, किस किस प्रकार का काम किया है, उनको आने वाले चुनाव में उनको काले कारनामे के रूप में
या उनको उखाड़ने की हम कोशिश करेंगे और दूध का दूध और दूध का पानी करेंगे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार किया है, वो 100% आने वाले दिनों में जेल जाएंगे करेंगे। यह सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, या धार्मिक जमीनों का कब्जे का मामला हो, या धार्मिक लक्ष्मीनाथ की जमीन हो, या दूसरी वाटिकाओं की जमीन हो, या कोई कब्रिस्तान की जमीन हो, या मस्जिद की जमीन हो, या किले की महादेव जी की डोली हो, या जितने भी धार्मिक जमीन है, यहाँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बेटों ने एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है। उनके दोस्तों के द्वारा एग्रीमेंट हुए हैं और दोस्तों के नाम से वापस एक नया एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट मेरे पास है। कभी भी अगर वहाँ का जनप्रतिनिधि चाहे तो मैं खुले में उस एग्रीमेंट को देने की कोशिश करूंगा और आने वाले दिनों में चुनाव में भी उसको एग्रीमेंट को दूंगा। इस प्रकार का एग्रीमेंट इन्होंने किया है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार भी कोई अच्छी नहीं है। जिस प्रकार के इन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के पौधे लगाए हैं, जिस प्रकार की नाली सफाई की व्यवस्था की है, शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चकनाचूर है, लाइटिंग व्यवस्था चकनाचूर है, यहाँ रोडों की व्यवस्था चकनाचूर है, और जिस प्रकार की आपस में होड़ से लग रही है वो आप लोगों के सामने है भ्रष्टाचार की। और जितना लूट सके वो लूट ले, ऐसा समय वापस नहीं आएगा। और मैं भी सोचता हूँ तो ऐसा समय इनका जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जो राजस्थान में सरकार आएगी वो अपने 25-30 साल सरकार रहेगी मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के नेतृत्व में। और जिन लोगों ने जो कारनामे किए हैं, जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है, उन लोगों को भी हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कहना चाहता हूँ, स्ट्रीट लाइटों में भ्रष्टाचार किया है, अभी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार को इस प्रकार की जांच करवाना चाहिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहिए। और क्योंकि सरकार कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार है और गजेंद्र सिंह जी पे आरोप लगाए, या हमारे श्रीचंद जी पे आरोप लगाए जो UDS मंत्री थे, या वसुंधरा जी में इस प्रकार का आरोप लगाते हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो सरकार की जांच करवा लें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो भी भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, या हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, या नीचे कोई हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। इन्होंने की हठधर्मिता के कारण हमारे नगर पालिका के चेयरमैन पर आरोप लगाए, या हमारे दूसरे पार्षदों पर आरोप लगाए, बट एक भी आरोप सिद्ध कर दे, एक भी उन लोग केस दर्ज करवा दे, केस तो हम भी दर्ज करवा सकते हैं, उसमें सजा होगी, उस टाइम उस चीज का जवाब देंगे।